कर सकते हो, कॉफी कैसे पी सकते हो, कॉफी ऐसे पी सकते हो। और अपने तो भाई कितना तगड़ा व्यू है, देखो भाई पेंटागन में जैसी टाइल्स लगाई है ना वैसे ही वहीं पर टाइल्स लगाई जा रही है। देखो ये वाली टाइल्स लगाई जा रही है, पहले आए थे यहाँ पर काम चल रहा था, ठीक है ना, उसके बाद ये रेडी हो चुका है एकदम टॉप क्लास। पहुंच चुके हैं हम हैशटैग डल गेट के पास, चलते चलते आ गया हैशटैग डल गेट। आज से लेके ना पूरा हबक तक यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है फुटपाथ का कम से कम 5। हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, करते हैं नई दिन की शुरुआत। नई दिन की शुरुआत करते हैं अपने पापा की शॉप से। तो आज हम जाने वाले हैं नॉर्दर्न, क्या सॉरी, नॉर्दर्न लेक है ना डल गेट से, जहाँ पे फुटपाथ का काम हुआ है वो हुआ है निशात से लेके हबक तक। तो आज बहुत टाइम के हबक तक, हबक तक, हबक, हाँ आज देखते और कुछ काम हुआ है वहाँ पे, वो देते हैं आपको अपडेट। तो आज आपको पूरा स्मार्ट सिटी का अपडेट देने वाले, पूरा स्मार्ट सिटी का अपडेट नहीं देने वाले हैं, जो निशात से लेके हबक तक जो वहाँ पर फुटपाथ का काम हुआ है वही बताने वाले आज आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगी वो खट करके आपके पास पहुंचेगी, बाकी स्पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। ठीक है, निकले 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 मेरे को बचाओ निशात में, क्या हुआ, प्रोजेक्ट दिखाना है भाई, पहुंचा मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ नहीं भाई, जल्दी भागो भागो भागो, बचाओ चलो। हम पहुंच चुके हैं डल लेक में, देखो मौसम कितना तगड़ा वाला हो रखा है भाई, आज धूप निकली है इतनी तगड़ी वाली ना, कल ना इतनी बारिश थी और आज मौसम देखो कितनी तगड़ी वाली है। मिल गया ट्रैफिक, ये जुबैर भाई पता नहीं कोने कोने से निकाल रहा है, स्कूटी को बना रहा है टार्जन, टार्जन ये देखो भाई टार्जन बना रहा है भाई, मारेगा क्या भाई, देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है। एक्चुअली पता क्या सीन है, टूलिप गार्डन ओपन है ना, सारे के सारे टूरिस्ट वहीं खींचे और जा रहे हैं, टूलिप गार्डन सबको बुला रहा है, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, ऐसे खींच रहे हैं। फाइनली पहुंचे हम निशात, निशात मार्केट के पास पहुंचे, तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है अभी, जो हर्ष का काम चल रहा था पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, तो पहले इनकम्प्लीट था अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है, देखो लाइट्स लगा रखी है, तो अब कुछ दिन के बाद चेयर्स लग जाएंगी, तो देखो वहाँ भी एक हट बन रहा है, वहाँ से एक बार आपको व्यू दिखाते हैं। पहले आए थे यहाँ पर काम चल रहा था, ठीक है ना, उसके बाद ये रेडी हो चुका है एकदम टॉप क्लास, लाइटिंग वाइटिंग भी यहाँ पर लगा दी है, बाकी मस्त बन गया। तो यहाँ से एक डलगढ़ का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पर ना फाउंटेन चल रहे हैं बहुत सारे लाइंस में, वो भी आपको दिखाते हैं, और सामने है शिकारा। सेलिब्रेट शॉट में मजा आया होगा, तो बाकी नज़ारा देखो एक बार कितना तगड़ा वाला आ रखा है। तो अभी हम व्यू पॉइंट के पास खड़े हैं, यहाँ से आप सेल्फी खींच सकते हो, पूरा यहाँ से ना पूरा डल गेट नजर आता है पूरा का पूरा, और जुबैर पूरा का पूरा थोड़ा तो आता भाई, तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप डुबकी मारोगे क्या, मार चल मार चल मार चल मार। हम जा रहे हैं निशात से लेकर जो हबक तक फुटपाथ का काम किया गया है, तो मैंने सोचा ये थोड़ी मार्केट दिखा दूँ आपको पहले, तो उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी आपको बता देंगे साथ में। एक लास्ट टाइम व्यू देख लो कितना मस्त लग रहा है, हट बने हुए हैं अभी तो इनकम्प्लीट है, जब पूरा कंप्लीट होगा इसमें तो लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई, शाम को तो एकदम अलग वाला व्यू आएगा ना। हाँ जी, तो ये देखो पकौड़े, यहाँ पर आप सब पकौड़े भी इंजॉय कर सकते हो, बाकी ये स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पर कश्मीरी आर्ट का सामान मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगी, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, बस इतना ही है। बोलते हैं कश्मीरी टोपी जो विंटर्स में यूज़ की जाती है, बाकी अभी तो समर आ चुके हैं तो अभी हम यूज नहीं कर सकते इसको, तो जाते हैं जहाँ पर हमें जाना था, क्योंकि हम मुगल गार्डन के पास, इसको निशात गार्डन गार्डन भी बोलते हैं, मुगल गार्डन भी बोलते हैं, कितना तगड़ा व्यू है। और यहाँ पर ही देखो फुटपाथ का काम चल रहा है, यहाँ पर हर जगह मतलब हर जगह से काम चल रहा है, देखो समर तक पूरा स्मार्ट सिटी का काम कम्प्लीट करेंगे, ये जो सारा काम है ना समर तक मुझे लगता है पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, अभी तो वर्क चल रहा है ना तगड़ा वाला। यहाँ पर फुटपाथ का काम चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, निशात के सामने, और यहाँ पर टाइल्स लगाई जा रही है, जो घंटाघर में जैसी टाइल्स लगाई है ना वैसे ही वहीं पर टाइल्स लगाई जा रही है, देखो ये वाली टाइल्स लगाई जा रही है, मतलब वहाँ से तो लगभग हो चुका है, देखो वहाँ से काम चल ही रहा है अभी टाइल्स पर। आपको ये पिछली बार मैं हट दिखाया था, मैंने आपको काम चल रहा था मगर ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसको छत लगाना है, किसी किसी को छत लग गए हैं, किसी किसी को लगाने हैं, तो भाई कितना तगड़ा व्यू है देखो भाई, ओ भाई साहब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो पूरे ये हट लाइंस में ना हट टाइप बन रहे हैं, बाकी कंप्लीट हो गया, देखो भाई साइकिलिंग कर रहा है, और देखो नीचे से टाइल्स वाइल्स लगा दिए, ये आपको फिर से बता दूँ ये येलो वाली है ना, ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, तो ऐसा मेरे को पता नहीं, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना ब्लाइंड लोगों के लिए होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बाकी साइड क्योंकि डिफरेंट है ना बीच में येलो लाइन, क्योंकि देखो इसमें ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, वो चलते हैं सीधा सीधा अपने डायरेक्शन के लिए जाते हैं, यहाँ भी एक हट बन रहा है,
देखो भाई हर जगह से हट ही हट बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हर जगह से चल ही रहा है। तो देखो सामने से ब्यूटीफुल व्यू और यहाँ पर सामने हट बन रहा है। पर ये हट क्यों बनाए जा रहे हैं? यहाँ पे हट यूं बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट मुझे पता हो रही है, मगर ये किस काम आएगा हमारे? ये किस काम आएगा? यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे व्यू देख सकते हो सामने से डल लेक का। यहाँ पे आप खा पी सकते हो, यहाँ पे कॉफी एंजॉय कर सकते हो। ओके ब्रो, मुझे लगता है ऐसा कुछ, मुझे पता क्या लगता है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए बन रहा है, कल बन गई हमारे लिए रेस्टोरेंट बन रहा है और आपके लिए भी बन रहा है। सबसे पहले आपके लिए जहाँ से हमें आपको प्रोजेक्ट दिखाना था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर फुटपाथ बनाए गए, टू वे फुटपाथ है, यहाँ पर साइकिलिंग के लिए पाथ हो, साइकिलिंग के लिए पाथ है और यहाँ पर हमारे लिए पाथ है, ठीक है ना। साइकिलिंग के लिए अलग है और इंसानों के लिए अलग पाथ है। जो ये बीच वाला येलो लाइन आपको दिख रही है ब्लाइंड लोगों के लिए, जिनको नजर नहीं आता है, जरा चल के दिखाओ कैसे ब्लाइंड लोग कैसे चलेंगे। जैसे जुबैर भाई चल रहे हैं ना, ऐसे ब्लाइंड लोग चल सकते हैं और ट्रेस, हाँ ट्रेस कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से मस्त व्यू है। और बाकी यहाँ पर क्या क्या हुआ गया है? यहाँ पे पता है क्या सीन है? यहाँ पे गमले लगा दिए गए हैं। हाँ? अभी तो ये सूखे है लेकिन गर्मियों में इसमें ग्रीनरी आएगी। हाँ? यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। कैसे करोगे एंजॉय? ओ भाई एंजॉय करना है, डूबना नहीं है। एंजॉय कर सकते हो। कॉफी कैसे पी सकते हो? कॉफी ऐसे पी सकते हो और पिज्जा खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी लिए बना दिया गया ताकि लोग यहाँ पे एंजॉय करें, व्यू देख के यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते, खा भी पी सकते, ठीक है। यहाँ पे और ऐसे साइकिल चला सकते हो, मगर हाथ छोड़ के नहीं। ओ भाई हाथ ही छोड़ना, छोड़ के सीधा डल लेके फिर ऊपर वाले हाथ ही छोड़ने पड़ेंगे। अगर मगरमच्छ ने खाया ना हमको नहीं बताना, फिर यहाँ मार्च में मगरमच्छ मिले। हाथ पकड़ के आपको साइकिल यहाँ से लेके ना पूरा हबक तक यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है फुटपाथ का। कम से कम 5.1 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो दिखाते हैं कुछ नया, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा। तो क्या पता कुछ नया अपडेट देने को दिखने को मिला। हाँ, देखते हैं और मतलब कुछ काम हुआ यहाँ पे बहुत टाइम के बाद है ना। हाँ, बहुत टाइम के बाद है, कुछ नया काम हुआ। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे लाइट नहीं चल रही है, लेकिन चल रही है, मगर चल रही है शाम को। हम शाम को मत आते हैं, हम दिन को आते हैं। तो जो भी नया प्रोजेक्ट होगा आपको बता देंगे। सिटी बाइसाइकिल ऑन रेंट, मतलब आप रेंट में ये ले सकते हो इलेक्ट्रिक साइकिल, बाकी रेंट का तो पता नहीं है, साइकिल तो बहुत सारे हैं। तो जाते हैं आगे, जुबैर भाई थोड़ा आगे चले गए उनके पास जाते हैं, ठीक है ना। देखो कितना मस्त व्यू है। ये हो गया साइकिलिंग के लिए, ये हो गया वॉकवे पाथ, ठीक है ना। साइकिलिंग के लिए पाथ बना है, वहाँ पर वॉकवे पाथ बना हुआ है। नगर स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, डल नॉर्दर्न लेक फ्रंट, यहाँ पर साइलेंट फ्यूचर से क्या क्या वीविंग डेक, मगर सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना। वहां से मेरे को बहुत तगड़ी वाली धूप आ रही है, आंखों में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इतना तगड़ा बना लिया, तगड़ा। पहुंच चुके हैं हम हैशटैग डल गेट के पास, चलते चलते आ गया हैशटैग डल गेट। तो यहाँ पर जब इनॉग्रेशन की थी यहाँ पर सब कुछ लिखा, नगर स्मार्ट सिटी डल गेट नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेस वन निशा टू शालामार कैनल प्रोजेक्ट। ये तो कैनल प्रोजेक्ट का है, तो बाकी 16 नवंबर 2023 को यहाँ पर इनोग्रेशन हुई थी पुष्पी मनोज सिन्हा, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है। बाकी व्यू चेक करो यार डल लेक का, कितना मस्त लग रहा है भाई। दोनों साइड से फुटपाथ का काम हुआ है, उस साइड से भी हुआ है, मगर ज़्यादा भीड़ इसी साइड से होता है, ठीक है ना। साइकिलिंग ये हो गया, साइकिलिंग फुटपाथ ये हो गया ब्लाइंड लोगों के लिए, तो ये हो गया नॉर्मल हम जैसे जो इंसान है उनके लिए, ठीक है ना। यहाँ से वो चल सकते हैं। हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा सारा फुटपाथ का काम कंप्लीट हो गया है। हाँ, और डिवाइडर का भी यहाँ काम लगा हुआ है, और साथ साथ में ना जो ग्रीनरी होती है ना उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। देखो हम पहुँच चुके हैं आगे थोड़ा, यहाँ पर हट तो पुराने हैं, इसको खाली पेंटिंग वेंटिंग की है। तो हम यहाँ से पहुँच गए, जो नज़र आ रहा है ना यहाँ से कैनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले भी एक बार वीडियो बनाई है, छालीमग तक जो कैनल प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है यहीं से जाता है। तो बाकी देखो नज़ारा तगड़ा, और नीचे टाइल्स वाइल्स लगाई गई है। तो बाकी ड्रीमर भाई पहले ही उतर के आगे चले गए। तो यहाँ पर हट तो पहले से इनको कलरिंग की गई है, और सामने है इको पार्क। तो जब हम यहाँ पर एक बार पहले आए थे यहाँ पर क्लोज होता था, मगर देखो यहाँ पर झूले वूले लगा दिया गया, रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हट वट में इंजॉय भी कर सकते हो। तो देखो कितना झूले वो देखो झूले नगर डोला डल लेक में, डल लेक कितने सारे डल लेक, यहाँ से भी डल लेक और वहाँ से भी डल लेक, भाई कितने सारे डल लेक हैं। अरे किसी ने सोच ही ना कि यहाँ पे ना डल लेक, जहाँ से आप जाओगे आप खाली डल लेक मिलेंगे श्रीनगर में, ठीक है। तो यहाँ पर फुटपाथ का काम ना 60% ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो 40% पेंडिंग है, वो भी कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी। आप थोड़ा बहुत डिजाइन देना है, वो जैसे वहाँ पर बताया था साइकिलिंग पाथ बनाया गया है और यहाँ पर टाइल लगानी है, अभी तो इनकम्प्लीट है। 40% कम्प्लीट है, 60% पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो ड्रीमर भाई बताएं आगे क्या करने गया, तो मैं भी वहीं जाता हूँ, ठीक है। वो है ड्रीमर भाई असली वाला डल लेक, और ये है नकली डल लेक, और व्यू चेक करो। डल्ले का ही पानी होगा, डल्ले का पानी समझो, डल्ले की समझ लो, छोटा डल लेक नकली।
नकली डल लेक भाई। तो बाकी अभी दिखाया आपको फुटपाथ का काम निशान से लेके हबक तक जो काम है 60% ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 40% इनकम्प्लीट है। तो साथ में वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शेयर कीजिए उसको। ले ओ ये क्या भाई, ये क्या था भाई, गाड़ी वाला यहाँ से कट मार के वो भाई क्या चला रहा है वो। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ऐसे कभी नहीं बनना, कभी तेज गाड़ी तेज नहीं चलाना, नहीं चलाना, सेफ ड्राइव। और वीडियो जितनी हो सकती है ना पूरे इंडिया में फैला दो ये वीडियो को, फैला दो भाई। बाकी अब कुछ फायदा ही नहीं है, फैला दो पूरी श्रीनगर में, क्या पूरी इंडिया में फैला दो, पूरी दुनिया में फैला दो। तो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।